मेरे कॉलेज में बेस्ट फ्रेशर का कॉम्पिटिशन होने वाला है। लेकिन देखो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि वो 19 नवंबर को फंक्शन होने वाला है और 19 को ही ट्रेलर आ रहा है तानाजी का, और अब तानाजी इतनी बड़ी मूवी है तो फिर अगर उसका ट्रेलर रिव्यू मैं उसी दिन डाल दूंगा तो फिर व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्योंकि मैंने आज तो कोई ऐसे बेस्ट फ्रेशर का कॉम्पिटिशन देखा तक नहीं है, पार्टिसिपेट करना तो दूर, मुझे मन कर रहा है कि मैं उस कंपटीशन में पार्ट लूं। उस कंपटीशन को जीतना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि तानाजी का ट्रेलर रिव्यू तो मैं अगले दिन भी डाल सकता हूं, लेकिन वो फंक्शन अगले दिन नहीं आएगा ना। सो गुड इवनिंग एवरीवन, एज यू ऑल माइट हैव हर्ड माय क्वेश्चन, और इस बार का हमारा कॉलेज के एडमिशन का केस भी बहुत ही यूनिक हुआ है। एमबीए के लिए कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर जुलाई एंड या फिर अगस्त में चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ इश्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, उसकी वजह से हमारे एडमिशन में 1.5-2 महीने लेट हो गया। अब कॉलेज देर से शुरू हुआ तो फिर हमारे लिए जो फ्रेशर्स का इवेंट रहता है वो भी बहुत ही देर से कर रहे हैं वो लोग, 2 महीने बाद, क्योंकि उसी सेम फंक्शन के अंदर हमारा ग्रुप एक डांस परफॉर्मेंस भी करने वाला है, तो फिर जो गुड न्यूज का ट्रेलर आया है उसका रिव्यू बनाने के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल नहीं रहा मुझे, कितना सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है यार इस इवेंट के लिए। मेरा जो ओवरऑल थीम होने वाला है और मेरे जो एक्शंस होने वाले हैं पूरे इवेंट के अंदर, मैं आज की यूथ को रिप्रेजेंट करूंगा, उनसे इंस्पायर्ड है वो, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि जब मैं वॉक करके जाऊंगा स्टेज के ऊपर, और स्टेज के ऊपर जितना टाइम भी रहूंगा ना, कान में हेडफोन रहेगा, मेरे हाथ में फोन रहेगा, फुल ऑन सबके सामने, ऐसे ही जैसे रहते हैं ना आजकल के युवा, देश की पीढ़ी, भविष्य देश का, किसी के नहीं सुनते, सिर्फ फोन में ही अपने बिजी रहते हैं। अब ये सोचते वक्त तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं एक्चुअली करने जाऊंगा और जो मैसेज मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हुआ नहीं, तो फिर जजेस को बहुत रूड लगेगा, ऑडियंस को बहुत रूड लग सकता है कि ये कॉम्पिटिशन में आया है बंदा और फिर अपने फोन में ही बिजी है। उस इवेंट का दिन आ गया और उस दिन हमको पता चला कि जो हमारा ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस होने वाला है वो एकदम लास्ट होगा, और उसके बाद फट से वो लोग बेस्ट फ्रेशर अनाउंस कर देंगे। और इस बार उन्होंने एक शौक हमको ये दिया है कि गर्ल और बॉय के लिए अलग अलग कोई रैंक नहीं निकालने वाले हो, इसका मतलब ये है कि इस साल ना तो मिस्टर फ्रेशर होगा ना मिस फ्रेशर होगी, एक ही निकालेंगे वो लोग, बेस्ट फ्रेशर। और इसके कारण थोड़ा डर भी लग रहा है यार, क्योंकि मेरे कंपटीशन में जो है ना वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अब क्योंकि पार्ट ले लिया है तो फिर खुद का बेस्ट तो देना ही पड़ेगा। मैंने ठीक वैसे ही किया, रैंप वॉक से लेके पूरा इवेंट होने तक, जब तक मेरा चांस नहीं आता इंट्रोडक्शन देने का तब तक मैं कान में हेडफोन लगा के था, स्टेज के ऊपर सबके सामने फोन पे बातें कर रहा था, दोस्तों से गेम खेल रहा था, और जब मेरे इंट्रोडक्शन देने का टाइम आया मैं गया, थोड़ा बहुत याद था मुझे, थोड़ा बहुत मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया, मेरे 2 मिनट बहुत ही जल्दी खत्म हो गए मेरे हिसाब से, तो इसलिए मुझे एंड में ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैंने आज जो भी कुछ किया है वो आज की यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, जो कि मेरे पूरे इस एक्ट का गोल था। और इसके कारण मुझे डर लग रहा था कि जजेस मार्क्स कट ना कर दे कि ये कर क्या रहा है, इसने हेडफोन लगाया, हमारे पूरे टाइम ये हेडफोन में था, ध्यान नहीं दे रहा है, ये सीरियस नहीं है क्या, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि वो लोग मुझे डायरेक्ट फर्स्ट राउंड से बाहर ना निकाल दे। फर्स्ट राउंड जब मेरा हुआ ना तो मैंने उसमें कोई टैलेंट नहीं दिखाया अपना, क्योंकि है ही नहीं दिखाने के लिए, स्टेज पे क्या दिखाता मैं सिर्फ 2 मिनट तक बड़बड़ करते रहा था, और इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि वो लोग मुझे निकाल ना दे। लेकिन जब फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो फिर मेरा एक नंबर पे था, सबसे पहले मुझे कॉल किया गया, सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिले थे फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड कुछ ऐसा था कि हमको एक बोल दिया जाएगा, उसमें से चिट्ठी निकालनी है, जो क्वेश्चन आएगा उसका ऑन द स्पॉट आंसर देना है, और मुझे क्वेश्चन मिला था कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट बचाने के लिए आप उनको क्या सिखाओगे। और ऐसे टाइम पे क्या हालत होती है ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने उस टाइम पे क्या बोला, जो मेरे मन में आ रहा था मैं बोल के आया, और उसके बाद लगा यार अब तो गए, क्योंकि कुछ लोगों ने लिटरली अच्छा बोला था, एकदम कंपोज तरीके से उन्होंने आंसर दिया था, और जितना सोचा था ये कॉम्पिटिशन उससे ज्यादा टफ निकला। सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद जो हम लोग पिछले 2 दिनों से तैयारी कर रहे थे हमारे ग्रुप के डांस परफॉर्मेंस की, वो हमने जाके परफॉर्म किया, और उसके बाद टाइम आया है फ्रेशर्स के कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करने का। दो नए पार्टिसिपेंट के बहुत ही बेस्ट
एशियन ऑफ दिस इवेंट। और जो ये जजेस थे ना, वो लोग इतने आराम आराम से अनाउंस कर रहे हैं कि सस्पेंस ऐसे बढ़ा रहे थे वो लोग। और अगर मैं सच बोलूँ ना, तो फिर मुझे 40% ही चांस लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा। अभी जब मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ ना कि क्या हुआ, कैसे जीता मैं, लेकिन उसके बाद से जो आगे के 2 घंटे कॉलेज में गए ना, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ थैंक यू। ऐसा मेरा मुंह दुखने लगा था हंस हंस के। बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट था वो, पहली बार किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था मैंने। और अब यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा प्राची लड्ढा को, क्योंकि पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊंगा, लेकिन इसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, अगर तू आज की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर कुछ अलग करके जा, कुछ ऐसे दिखना चाहिए लोगों को, उठ के ऐसा करके जा। उसके बाद से इस पूरे आउटफिट का आइडिया आया मुझे। और इसके अंदर जो मैंने टी शर्ट डाला हुआ है ना, वो एक्चुअली ब्लैक कलर का टी शर्ट है, उसको उल्टा करने पे रेड होता है वो, तो टी शर्ट मैंने उल्टा पहना था उस दिन। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरा फर्स्ट रैंक आया, मुझे 33.2 मार्क्स मिले, और इसका सेकेंड आया था, इसको मिले थे 33 मार्क्स, मतलब 0.2 मार्क्स से रह गई है। किस्मत यार, किस्मत बहुत बड़ी। उस दिन डांस परफॉर्मेंस करते टाइम मेरा चश्मा भी टूट गया, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, इतने टाइम तक अच्छे से चला, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, ये तो हो गई एक छोटी सी स्टोरी जो मैं बोलना चाहता था, जो एक्चुअल में हुई मेरे साथ कॉलेज के अंदर। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी लेट हो रहा है मूवी के लिए, बीच में एक शो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा चलो ये सेक्शन रिकॉर्ड कर लेता हूं। मैंने रिकॉर्ड किया है, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है ना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।